अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फॉर यू। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता चलूँ यूट्यूब चैनल ओनली फॉर यू की ये जो फैमिली है बिल्कुल खैरियत से होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको भी बताता चलूँ कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी आज की वीडियो के अंदर क्या कॉन्टेंट मौजूद है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आज हफ्ता इतवार का दिन है और मरी में काफ़ी रश क्राउड है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस रश क्राउड की वजह से रूम रेंट्स जो है ना वो काफ़ी महंगे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आज जैसा कि जुमा है तो आज क्या रूम रेंट्स चल रहे हैं, कितना रश क्राउड है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने दिन में YouTube से गायब क्यों रहा, एबसेंट क्यों रहा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि एक भाई ने क्वेश्चन किया कि हम कराची से आना चाहते हैं, वो कह रहे थे हम एक पेयर हैं, हम कराची से आना चाहते हैं, सिर्फ एक लड़की और एक लड़का थे, वो कह रहे थे हमारा कितना ख़र्चा मरी के अंदर आ जाएगा, जिसमें रूम रेंट भी डाल लें, खाने पीने का खर्चा भी डाल लें और किराया वगैरह भी डाल लें। उनको भी मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा उनके बारे में भी। तो फ्रेंड्स, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं। फ्रेंड्स, जितनी सही इन्फॉर्मेशन हम अपनी वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम सही इन्फॉर्मेशन तसल्ली से अच्छे से बात करने की कोशिश करते हों। उसकी वजह यह है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मुझे शौक़ चढ़ गया बस YouTube का, तो इसलिए हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया। मैं भी सोचता हूँ, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि यार हमारी एक बहुत बड़ी YouTube फैमिली हो, तो उसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस दिन वैसे काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि यार आप गायब हैं YouTube से, WhatsApp ग्रुप में। तो मैंने कहा यार गायब तो हूँ मैं, रावलपिंडी कुछ दिन के लिए आया हुआ था, तो मैं जाते हुए कोशिश करूँगा कि यहाँ से जाने की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट परेशान थे कि यार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है, मरी में कैसे आएँ। तो मैं उनको तसल्ली देना चाहूँगा, वो भी वीडियो मैंने बनाई है। और वहीं पर मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो एक भाई का क्वेश्चन आया, यही जो अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हम कराची से आना चाहते हैं, हम एक पेयर हैं, हमारा टोटल ख़र्चा बताओ। उस भाई को मैंने कहा यार मेरे पास अभी सामान है और फैमिली भी मेरे साथ है, आप वेट करें मैं आपको बताऊंगा। वो कहते नहीं नहीं जल्दी बताओ यार। फिर मैं उधर ऐसे अंदाजे से मैं उसको बोल देता 50,000, वो अपने जहन में 50,000 रख के आ जाता, और यहाँ पर आगे ख़र्चा ज़्यादा होता तो फिर मसला था ना, तो वो भाई नाराज़ भी ना हो गया। और मैंने कमेंट्स में भी बाद में उससे सॉरी की है, तो यहाँ पे भी मैं उससे दोबारा सॉरी करके उसे बताता चलूँ कि भाई असल में मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा ना हो बस जो मुंह में आए वो कहना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहले हम इसके लिए पूरा वो करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तो रश क्राउड की सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही है, काफ़ी रश क्राउड है, तो आज जो रूम रेंट्स होंगे ना वो महंगे होंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं रूम रेंट्स के रिलेटेड। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी ये जो प्लेलिस्ट हमने न्यू क्रिएट की है, मरी रूम रेंट्स अपडेट, इसमें हम रूम रेंट्स की अपडेट डालते रहते हैं, आप इसको चेक करते रहा करें। अभी इसमें जो एक ये वाला जो रूम, ये वाला जो होटल मैंने आपको रिव्यू किया है, इसका टेरेस इतना मज़े का है ना, ये मेन माल पे मौजूद है, बिल्कुल मेन माल पे, और इसका टेरेस इतना मज़े का है कि इसके टेरेस से आपको पूरा मरी, पूरा रावलपिंडी, पूरा इस्लामाबाद नज़र आने वाला है। और मज़े की बात ये बिल्कुल मेन माल पे है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जिन दिनों मैंने वीडियो बनाई थी उन दिनों उसके रूम रेंट जो चल रहे थे ना वो ऐसे चल रहे थे कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी आप जिधर फंसें वो आपको फंसाएँगे, रेट की वजह से नहीं जाने देंगे। अगर आपको रूम पसंद आ जाए तो वो रेट की वजह से नहीं जाने देंगे, ऐसे कोई और वजह हो तो वो फिर आपको जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, रूम रेंट्स आज जो जुमे और हफ्ते की बात करें ना,
खैर फिर आगे जुमा हफ्ता आ गया है, कुछ दिन मैं यूट्यूब से एबसेंट रहा। मैं आपको बताना चाहता था मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे इन दिनों रश नहीं होती, तो इन दिनों रूम रेंट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। तो वैसे आज तो फिर फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया है, तो इसलिए आज रश क्राउड ज़्यादा है और आज रूम रेंट्स महंगे। मैं रावलपिंडी किसी काम से गया था इसलिए कुछ दिन एबसेंट रहा। इंशाल्लाह ये जो आगे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे आ रहा है इस पे ज़रूर वीडियो बना के आपको दिखाई जाएगी। भाई आज देख लो रश क्राउड कम है और आज रूम रेंट सही है। फ्रेंड्स मैं उन भाई की भी बात को डिस्कस करता हूँ। और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप व्लॉग छोटा बनाते हैं, तो इंशाल्लाह बड़ा बनाने की कोशिश भी की जाएगी। फ्रेंड्स अगर कराची से आप आते हैं ना, तो मैं भी खैर कराची बहुत दफ़ा गया हूँ, तकरीबन आप अगर जल्दी टिकट बाय करते हैं यानी आने से पहले बाय करते हैं, अर्जेंट नहीं बाय करते, तो आपको 1700 1800 1900 में टिकट मिल जाता है, ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप ग्रीन लाइन में आते हैं, एसी वाली गाड़ी में आते हैं, अच्छी गाड़ी में आते हैं, तो 5000 5500 6000 रुपये उसका टिकट है। ये तो बन्नू का आप लगा लें, तकरीबन 15000 ये आप जेन में रख लें। इसके अलावा फिर आप रावलपिंडी पहुंच जाते हैं, वहाँ से आगे आप टैक्सी अपनी टैक्सी ले आएँ, तकरीबन 1500 में वो आ जाएगी। ये तकरीबन 12-15000 ये हो गया। फिर यहाँ पे नवंबर में वो भाई आना चाहते हैं, तो नवंबर में आप कभी यहाँ आएँ तो उन दिनों रश की सिचुएशन कम होती है जबकि दिसंबर में ज़्यादा हो जाती है। तो नवंबर में हफ्ता इतवार को छोड़ के जो बाकी दिन हैं उनमें तो आपको रूम रेंट मिल जाएगा 1000 1200 1500 2000 मेन माल पे। और इसके अलावा खाने पीने की बात करें, ये तकरीबन लगा लें 18000 लगा लें, वैसे जेन में रख लें 18000 हफ्ते का आप ये लगा लें, तकरीबन 30000 तक आपकी बात पहुंच गई है। और इसके अलावा खाने पीने का आप लगा लें, तो खाने पीने के पूरी मरी के अंदर दो रेस्टोरेंट ऐसे हैं, हम भाई दुकानदार आदमी हैं, हमें दिन का खाना जो होता है ना वो मरी में खाना होता है। वैसे हमारी मरी में दुकान भी है और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो खाने की ये सिचुएशन है कि खाने के पूरी मरी में दो होटल हैं जो साफ़ भी हैं और अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं, उसकी इंशाल्लाह किसी दिन नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। एक दिन आपने मुझे खाना खाते हुए देखा भी होगा, वो नीचे अड्डे में है, आदिल होटल उसका नाम है, और एक कराची होटल है जो मेन माल से थोड़ा नीचे है। तो ये सिचुएशन थी भाई रश क्राउड की भी, रश क्राउड भी आपके सामने ही है। और अभी हम चलते हैं आगे मार रोड पे, आज रूम रेंट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं। अच्छा बहुत सारे भाई कमेंट सेक्शन के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है हमारी यूट्यूब फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है उसका, वहाँ पे भी डिस्कशन करते रहते हैं यार रूम रेंट्स के रिलेटेड अपडेट दें कि क्या रूम रेंट्स चल रहे हैं। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब आना है तो फिर आप मुझे एग्जैक्ट बताएंगे, तो फिर मैं कोई रूम रेंट देखूँगा, रूम आपके साथ डिस्कस करूँगा, वीडियो बना के चैनल पे अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वैसे और भी हमारी वीडियो बहुत पड़ी हैं, आप उनमें से भी आपको कोई होटल पसंद आता है तो आप ज़रूर बताएं। ये अंदर कैंट एरिया है, यहाँ पे तो रश क्राउड ज़्यादा है, उस प्लेलिस्ट से अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो वो रूम रेंट भी आपको बाय करके दे सकते हैं।